भूमिहीन मजदूरों से बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब कहते हैं, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया हूँ। मैं उनकी दुख तकलीफ़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण उनका भूमिहीन होना है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान का शिकार होते रहते हैं और वे अपने उत्थान नहीं कर पाते। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।